गुड मॉर्निंग। चलिए आज की कक्षा में हम फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं और हम दोनों तरह के सवाल देखेंगे, एक प्लस तो दूसरा माइनस। और यहाँ पर हमारे पास है, देखिए, एक है पूर्ण संख्या होल नंबर तो दूसरा है भिन्न फ्रैक्शन, यहाँ पर भी इसी तरह से है। तो जब हमारे पास ऐसे सवाल हो तो हम इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है? आपको मैंने पहले ही भिन्न के सवाल हल करना सिखाया है। तो चलिए, इसे हल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम एलसीएम वाला तरीका अपनाएं या फिर बटरफ्लाई मेथड। तो चलो, बटरफ्लाई मेथड से इसे हल करना बेहद आसान है, तो उसी से हल करते हैं। जैसे यह है 5 ÷ 3/6, ठीक है? तो 5 को मैं भिन्न में बदल लेता हूं, वह लिख लेता हूं 5/1। इससे इस संख्या में कोई अंतर आने वाला नहीं है। इसे फिर लिख लेता हूं मैं 3/6। अब हम बटरफ्लाई मेथड है, तितली वाला विधि, उसमें हम क्या करते हैं, तितली बनाते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा हम पहले करेंगे, तो ये हो गया 6 × 5 = 30, फिर प्लस, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 1 × 3/ अब क्या करना है हमें, जो हर हर है उनका गुणा करेंगे, तो 6 × 1 = 6 जोड़ लीजिए, 30 × 3 = 33/6, तो यह होगा आंसर। हमेशा याद रखिए, आपको इन दोनों का गुणा करना है पहले, ठीक है? अगर आप इनका कर लेते हैं तो जोड़ के सवाल में तो वह सही है, लेकिन जहां भी हम माइनस के सवाल में आएंगे वहां हम फंस जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए हमें इन दोनों का पहले गुणा करना है। चलिए एक और सवाल, और इसमें हमें माइनस करना है, 9 − 2/5, ठीक है? तो यहाँ भी एक पूर्ण संख्या है और उसमें हमें भिन्न को घटाने हैं। तो जो पूर्ण संख्या है उसे मैं भिन्न में बदल लेता हूँ इस तरह से, और फिर माइनस 2/5। अब वही तरीका अपनाते हैं, बटरफ्लाई मेथड, हम इन दोनों का पहले गुणा करते हैं, तो हो गया 5 × 45 माइनस, फिर इन दोनों का गुणा, 1 × 2/ फिर इनका आपस में गुणा, 5 × 5 घटा लीजिए, 45 × 2 = 43, 43/5, तो यह होगा हमारा आंसर। तो जब भी हमारे पास कोई पूर्ण संख्या हो और उसमें से हमें भिन्न जोड़ना या घटाना हो, तो सबसे आसान तरीका होगा आपके पास बटरफ्लाई मेथड, और इसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, बशर्ते आप ध्यान रखिए कि आप यह पहले इसे लेंगे और उसके बाद यह, और अंत में हर के लिए यह, और आपका बन जाएगा बटरफ्लाई या तितली। तो इस तरह के कुछ सवाल आप और हल कीजिए।